वेलकम बैक टू जस्ट होममेड। आज हम सीखेंगे कॉलीफ्लावर कर्ड राइस बनाना। येट अगेन अ वेरी गुड कीटो रेसिपी एंड वेरी टेस्टी। यू वॉन्ट इवन रियलाइज कि इसमें चावल एक्चुअल में नहीं है। पर सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये है इसके इन्ग्रीडियंट्स। तो फूलगोभी के जो फूल होते हैं उनको हमने ब्लांच कर रखा है, यानी कि एक बड़े पतीले में पानी को गर्म करके उसमें फूलगोभी डाल करके उसको एक मिनट के लिए हमने बॉईल कर लिया है और उसे छान कर ठंडा कर लिया है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जो फूलगोभी है वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाए। अब इन फ्लोरेट्स को हम डालेंगे। हमने इसे बेसिकली घसना है, तो आप जिस भी फूड प्रोसेसर में या फिर मैंडलिन में जो भी आपके पास हो आप उसमें इसे घस सकते हैं। मैं यहाँ इसे वंडर शेफ के फूड प्रोसेसर में घस रही हूँ। तो सारी गोभी हमने घस ली है इसी तरीके से। अब ये देखिए, फाइनल जो हमारे पास है वो बिल्कुल अच्छे प्रॉपर घसी हुई गोभी, बहुत महीन नहीं है ये, इसमें दाने दिख रहे हैं। तो अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं, ऐसा बोल जिसको हम माइक्रोवेव में डाल सकते हैं। अब इसमें हम बहुत थोड़ा नमक डालेंगे, मतलब ये जितना क्वांटिटी है ये जब हम माइक्रोवेव करेंगे इसे तो ये कम हो जाएगी सूख कर। तो आप नमक स्वाद के अनुसार से थोड़ा कम ही डालें, ज़रूरत पड़े तो आप बाद में उसे डाल लें। नमक डालने के बाद हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। तो ये देखिए, माइक्रोवेव होने के बाद गोभी बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें कुक हो चुकी है और जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो जा चुका है, तो क्वांटिटी हमारी अब घट चुकी है। तो चलिए, जब तक वो ठंडी हो रही है हम इसका छौंक बना लेते हैं। उसके लिए एक छौंक वाले पैन में मैंने घी लिया है 1 बड़ा चम्मच, उसमें डाला है राई 1 छोटा चम्मच और प्याज आधा महीन कटा हुआ। प्याज इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मुझे प्याज से टेस्ट थोड़ा अच्छा सा लगता है इसलिए आई डू पुट इट। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस प्याज का हल्का कच्चापन हमने हटाना है, उतना ही कुक करना है बट लो फ्लेम पर। इसमें हम डालेंगे 10 से 15 कड़ी पत्ता, खड़ी लाल मिर्च लाल और हरी मिर्च। तो मैं यहाँ लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों का यूज़ कर रही हूँ, बट आपको अगर कम तीखा चाहिए तो आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम मिक्स कर लिया, हमने कुक कर लिया है 1 मिनट के लिए और यहाँ हमारा ये ठंडा हो चुका है गोभी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 बड़े चम्मच भर कर बिल्कुल दही। अब ये जो दही का क्वांटिटी है वो आपको अगर थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें। मैंने यहाँ 4 से 5 चम्मच ली है भर कर बिल्कुल, ताकि थोड़ा दही जो है ज़्यादा रहे। इतने देर में हमारी जो तड़का था वो भी हल्का ठंडा हो चुका है, अब वो हम इसमें डाल के मिक्स कर देंगे और तैयार है हमारी कॉलीफ्लावर कर्ड राइस, अ परफेक्ट कीटो रेसिपी विच यू मस्ट ट्राई फॉर ऑल दी गोभी लवर्स। ये सच में एक बहुत बढ़िया डिश लगेगी उन्हें।